बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू था। जोगेंद्रनाथ मंडल उसका नाम था और वो दलित समाज से था। उस समय अम्बेडकर के बाद वो दूसरे नंबर का दलित नेता माना जाता था। उसको इस्लाम की कोई समझ नहीं थी, इसलिए उसने जिन्ना का साथ दिया और भारत के इतिहास में पहली बार दलितों और मुसलमानों का गठबंधन किया। मंडल ने अपने प्रभाव से बंगाल का बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान में शामिल करवा दिया और आजादी के बाद लाखों दलितों को लेकर पाकिस्तान चला गया। बदले में जिन्ना ने उसको पाकिस्तान का कानून मंत्री भी बना दिया, लेकिन कुछ ही समय में मंडल के सपनों का भ्रम टूट गया। मुसलमानों ने पाकिस्तान बन जाने के बाद मंडल को घास डालना बंद कर दिया। ऊपर से उसकी आंखों के सामने लाखों दलितों को मारा गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया और उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं की ऐसी स्थिति को देखकर मंडल खुद के फैसले पर पछताने लगा और 8 अक्टूबर 1950 को सरकार से इस्तीफा दे दिया। बाद में पाकिस्तान के संस्थापक नेताओं में से एक ऐसे जोगिंद्रनाथ मंडल को खुद की ही जान बचाने के लिए पाकिस्तान से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी और यहीं गुमनामी में मर गया।